ये राजनीति भी कमाल की चीज है। जब मुजफ्फरपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो यूपी में 65 मुस्लिम एमएलए थे, जिन लेकिन एक भी मुस्लिम एमएलए मुस्लिम समाज को बचाने नहीं आया। न किसी एमएलए या एमपी ने मुस्लिमों के समर्थन में अपना पद ही छोड़ने का साहस दिखाया। हरियाणा में भी 90 में 37 एमएलए जाट है, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन के समर्थन में एक भी एमएलए अपना इस्तीफा नहीं दिया और न ही जाट समुदाय के 22 युवाओं को गोली से उड़ा देने पर एक बयान तक दिया। सहारनपुर में भी एससी समुदाय के खिलाफ जमकर दंगे हुए, लेकिन मजाल है कि 87 एससी एमएलए में से एक भी इसके विरोध में निकल कर आया हो या अपना इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाई हो। यह सच है कि जो लोग यह सोचकर जातिगत आधार पर वोट देते हैं कि बुरे वक्त में उनकी जाति का एमएलए या एमपी उनके काम आएगा और अपनी बिरादरी के हित में अपनी कुर्सी को लात मारेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बुरे वक्त में कोई राजनेता काम नहीं आता, बस आपस का भाईचारा काम आता है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो किसी भी जात धर्म को ना देखे और अपना इंसानियत का फर्ज निभाए।